हेलो स्टूडेंट्स, आज इनके एडुकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 12 बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके दिए गए हैं, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आगे इसका सारा प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिगर आपके देखिए यहाँ दिए गए हैं, फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए। सबसे पहले पहले मैं डिस्कस कर दूं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फिर मैं फिगर के बारे में पूरे डिटेल्स आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द इमेच्योर जर्म सेल इन मेल्स। ठीक है, अब इसको हम लोग नोट डाउन पहले कर ले, फिर आगे देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का हम लोग डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस is the process of the production of sperms from the immature germ cells जर्म सेल्स इन मेल्स। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि प्रेजेंट रहता है कहां, इनसाइड द टेस्टिस। Present inside the testis. अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान क्या होते हैं, अब हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम हम लोग फिर फिगर से पूरा क्लियर करेंगे कैसे कैसे क्या हुआ, पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम, जिसको कि हम लोग मेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंक्रीजेज इट्स साइज to form a diploid primary spermatocytes to form
a diploid primary spermatocyte. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोसाइट्स होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, दिस डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाता है। ठीक, इसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। दिस डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स spermatocyte undergoes first meiotic division. जिसको कि हम लोग मियोसिस फर्स्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहां तक हम लोग अभी नोट डाउन किए हैं फिगर के थ्रू, हम लोग पहले समझ लेते हैं आगे की ओर, फिर देखेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ देखिए आप, ये जो फिगर है डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक है, इंक्रीज इट्स साइज, इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, टू फॉर्म डिप्लॉयड स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये देखिए आपका डिप्लॉयड स्पर्मेटोसाइट्स है। दिस डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है, ये जो होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसमें होता है। अब आगे की चर्चा फिर हम लोग नोट डाउन जैसे जैसे करते जाएंगे समझते जाएंगे फिगर के थ्रू। ठीक है, हमें ज्यादा इजी होगा समझने में। तो फिगर आपके सामने है, वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ये जो है क्या है, मियोसिस फर्स्ट है। ठीक है, इसको मियोसिस फर्स्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, मियोसिस फर्स्ट इसको लिख लेते हैं। व्हिच इज अ रिडक्शनल डिवीजन, ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। Which is a reductional division to form two equal haploid secondary spermatocytes? ठीक है, to form two equal haploid secondary spermatocytes. अब इसमें क्या होगा, ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देन अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देन अंडरगोस सेकेंड मियोटिक डिवीजन। ठीक है,
मियोटिक डिवीजन, जिसको कि हम लोग क्या कह सकते हैं, मियोसिस सेकेंड भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, मियोसिस सेकेंड, टू फॉर्म टू इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स। टू इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स, ठीक है, फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए यहां मियोटिक फर्स्ट तक हम लोग देख, मियोसिस फर्स्ट जो हुआ यहां से हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो गया अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फिर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ। उसके बाद क्या फॉर्म हुआ, टू इक्वल हैप्लोइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों है स्पर्मेटोसाइट्स, ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। यहाँ देखिए मियोसिस सेकेंड आप लोगों को दिख रहा है, जिसको हम लोग मियोसिस सेकेंड भी बोल सकते हैं। ये क्या फॉर्म किया, टू इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म किया, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं, हम फिगर ऊपर जा रहा है इसलिए हम लोग वहां तक समझ चुके हैं, आगे फिर देखेंगे, ठीक है। These spermatids are transformed into spermatozoa, या उसको sperm भी बोल सकते हैं, by the process called spermatogenesis, ठीक है। यहां तक हम लोग note down कर चुके हैं। These spermatids are transformed into spermatozoa. By the process called spermiogenesis. ठीक है, फिगर में हम लोग देखते हैं, थोड़ा फिगर को हम लोग देखिए, डिस्कस हम लोग यहां तक कर चुके थे कि ये जो फॉर्म हुआ टू स्पर्मेटिड्स हुआ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए स्पर्मेटिड्स जो है, दीज स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, आप फिगर में देख रहे हैं, यहां आपको दिख रहा है स्पर्म, ये दिख रहा है, तो क्या होता है, दीज स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये पूरे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, आपके एग्जाम में जब भी पूछे जाएं तो आप इसको फिगर के थ्रू जरूर आप समझाएंगे इसको, ठीक है। जैसे फिगर में पूरे क्लियर आपको दिख रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हुआ, सारा कुछ पता चल रहा है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पाने के लिए आपको आहा जिंदगी एडुकेयर चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन प्लस 8 to 12 मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।